हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही इजी लगता है और बनाने में भी बहुत ही इजी है। इस पैटर्न को डालने के लिए हमें 11 के मल्टीपल फंदे डालने पड़ेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 11 फंदे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से 11 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से 11, और यहाँ पर हमें 4 फंदे एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे और एक फंदा यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब 11 के मल्टीपल हमें फंदे डालने पड़ेंगे, प्लस 4 फंदे हमें एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, प्लस 2 फंदे जो हम यहाँ पे जो फर्स्ट में और जो लास्ट में स्टार्ट करने के लिए डालते हैं वो हमें एक्स्ट्रा डालने पड़े। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये पैटर्न। क्या किया मैंने कि ये 28 फंदे डाले हैं, 28 फंदे डालने के बाद मैंने एक सिलाई उल्टी डाली है। तो अब क्या करेंगे, इस पैटर्न को स्टार्ट करने के लिए हमेशा जो हम एक फर्स्ट हमारा फर्स्ट फंदा है उसे स्लिप करते हैं, धागा आगे की तरफ करेंगे और नेक्स्ट जो 4 फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बनाएंगे। एक, दो, तीन और ये 4। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा फिर से पीछे की तरफ करेंगे, 2 फंदे बिल्कुल सीधे बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो थर्ड फंदा है उसे एक बार इस तरह बनाने के बाद छोड़ेंगे नहीं, धागा इसके ऊपर से इस तरह से घुमा के इसको फिर से बनाएंगे। ये जो हमारा एक फंदा था इसे हमने 3 में कन्वर्ट किया। जो नेक्स्ट फंदा है उसे हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को फिर से वैसे ही करेंगे, 1 से 3 में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से धागा घुमाते हुए इसको फिर से बनाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो 2 फंदे हैं उन्हें सिंपल बनाएंगे। ये हमारा 11 फंदों का डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट फिर से स्टार्ट करेंगे, जो 4 फंदे थे धागा आगे की तरफ करके उन्हें उल्टा बनाएंगे, 3 और ये 4। फिर से धागा पीछे की तरफ करेंगे, 2 फंदे बिल्कुल सीधे बनाएंगे और जो नेक्स्ट तीसरा फंदा है उसे एक बार सिंपल बनाने के बाद छोड़ेंगे नहीं, धागा इस तरह से घुमा के इसे एक बार फिर से बना के 3 में कन्वर्ट करेंगे। जो नेक्स्ट फंदा है उसे स्लिप करेंगे, उसके बाद फिर से वही करेंगे, इसको एक बार बनाने के बाद एक बार धागा इसके ऊपर से घुमाने के बाद इस तरह से इसको 1 से 3 में कन्वर्ट करेंगे। 2 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, धागा आगे की तरफ करते हुए 4 फंदे जो हैं फिर से हम उल्टे, ये बनाने के बाद जो हमारा लास्ट फंदा बच जाता है उसे हम बिल्कुल इस तरह से धागा पीछे करके ये सेकेंड रो में क्या करेंगे, जो फंदे हमारे उल्टे हैं जो फर्स्ट फंदा है उसे स्लिप करेंगे और जो नेक्स्ट 4 फंदे थे उन्हें हम बिल्कुल सीधा बना लेंगे, 1 ये 2 3 और ये 4। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद जो 2 सीधे फंदे थे उन्हें भी बना लेंगे। उसके बाद जो हमने एक फंदा 3 में कन्वर्ट किया था उसे हम बनाएंगे नहीं, उसे ऐसे ही स्लिप करेंगे और जो एक फंदा हमने स्लिप किया था उसे हम इस तरह से बना लेंगे और फिर से उन 3 जो एक फंदा हमने 3 में कन्वर्ट किया था उसे स्लिप करेंगे और जो नेक्स्ट 2 फंदे सीधे थे उनको ऐसे बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 4 फंदे जो हमने उल्टे बनाए थे उन्हें भी हम उल्टा बना लेंगे। जिस फंदे को हमने 1 से 3 में कन्वर्ट किया था बस उसी को स्लिप करेंगे, बाकी जो सारे फंदे हैं उन्हें हम एज इट इज़ बनाएंगे। बाकी सारे फंदे इस रो में ऐसे ही बनेंगे। ये फ्रेंड्स हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो में क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, जो फर्स्ट फंदा हमारा है उसे स्लिप करेंगे, धागा आगे की तरफ करते हुए ये 4 जो फंदे हैं इन्हें हम उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद हमने ये जो 2 फंदे सीधे बनाए थे इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हम इधर लेफ्ट साइड और जो ये लेफ्ट साइड वाला एक फंदे के 3 बनाए थे उसे हम इधर राइट साइड में ले आएंगे, कुछ इस तरह से ये इनको इस तरफ ले आएंगे और इसको उठा के ये इस तरफ ले जाएंगे। ये अब इन तीनों फंदों को हम एक साथ बनाएंगे, पहले हमने 1 से 3 में कन्वर्ट किया था, अब हम क्या करेंगे इस फंदे को 3 से 1 में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से। जो नेक्स्ट 2 फंदे उन्हें फिर से सिंपल बनाएंगे और जो नेक्स्ट फंदा हम फिर से स्लिप करेंगे, अब इस फंदे को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे और ये 2 फंदे इनको पीछे से हम राइट साइड की तरफ ले आएंगे। ये
इस तरह से इनको हम इस तरह से इधर ले जाएंगे। और इन तीनों को एक साथ एक फंदे में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से। ये हमारा पैटर्न जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फिर से ऐसे ही करेंगे, धागा आगे की तरफ करके जो चार फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बनाएंगे। ये जो दो फंदे इसे दूसरी तरफ और जो एक से हमने तीन में कन्वर्ट किया था इसे हम पहले लेके आएंगे और इसे हम पहले बनाएंगे। ये दो फंदे सिंपल बनाएंगे, जो नेक्स्ट फंदे उसे फिर से स्लिप करेंगे और ये जो दो फंदे हैं इन्हें पहले लेके आएंगे और जो ये हमने एक से तीन में कन्वर्ट किया था इसे हम लास्ट में ले जाके इस तरह से एक फंदे में कन्वर्ट कर देंगे। फिर से धागा आगे की तरफ करेंगे और ये चार जो फंदे हैं इन्हें उल्टा बनाएंगे, तीन और चार, और जो ये लास्ट फंदा हमारे पास बच रहा है उसे हम सीधा बनाएंगे। अब हम फोर्थ रो में क्या करेंगे, फोर्थ रो बिल्कुल उल्टी आएगी, इसमें हम सारे घर बनाएंगे। ये इसमें जो स्लिप किया था उसे भी बना लेंगे। ये इस तरह से हम अपनी फोर्थ रो कंप्लीट करेंगे और ये हमारी फोर्थ रो भी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा पैटर्न भी बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से ये कुछ पैटर्न बनेगा और दिखेगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स बनने के बाद ये जो पैटर्न है ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी पैटर्न था ये। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगी वो वीडियो को शेयर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।